हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल फिंगर्स मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मसाला मैजिक की रेसिपी। आप इससे कोई भी सब्ज़ी बना सकती हैं, टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे मसाले मैंने यूज़ किए हैं जो हर एक किचन में अवेलेबल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक कढ़ाई लें, इसे अच्छे से गर्म होने दें। अब इसमें 4 बड़ा चम्मच साबुत धनिया डालें। मसालों को हमें लो फ्लेम पे भूनना है, आप फ्लेम बिल्कुल लो रखें। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच सौंफ ऐड करें। 2 बड़ा चम्मच जीरा ऐड करें। 1/4 चम्मच मेथी दाना ऐड करें। 2 तेज़पत्ती डालें। 4 से 5 साबुत लाल मिर्च डाल दें। अब इसमें 5 हरी इलायची, 8 लौंग डालें। 2 टुकड़े दालचीनी के डाल दें। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च ऐड करें। 1 बड़ी इलायची डाल दें। अब इन मसालों को धीमी आंच पे भून लें। आप इन्हें तब तक भूनें जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे। फ्लेम बिल्कुल लो रखें आप, वरना आपके मसाले जल जाएंगे। मसाले भून चुके हैं अच्छे से, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब आप गैस ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने के लिए 10 मिनट छोड़ दें। इसके बाद सभी मसालों को आप एक जार में ले लें। अब हमें इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑनियन पाउडर। मैंने इससे पहले ऑनियन, टोमेटो और गार्लिक पाउडर की रेसिपी डाली हुई है कि इसे कैसे बनाते हैं, आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकती हैं। अब इसमें ऐड करूँगी गार्लिक पाउडर 1 बड़ा चम्मच, आमचूर पाउडर 1/2 बड़ा चम्मच, अब इसमें हल्दी पाउडर डालें 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल वाली भी डाल सकती हैं, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नस्टार्च डालें जिसे कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं, 1 बड़ा चम्मच शुगर पाउडर डालें। आप चीनी को जार में इस तरीके से पाउडर बना लें और फिर इस्तेमाल करें। 1/2 बड़ा चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर डालें जिसे सॉल्ट पाउडर भी बोलते हैं, और 1 बड़ा चम्मच नमक डाल दें। अब इसे अच्छे से पेस्ट बना लें। इसका इस तरीके से फाइन पाउडर तैयार कर लें, बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लें। मसाला मैजिक बिल्कुल रेडी है, आपको इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी सब्ज़ी इससे बना सकती हैं, ये काफ़ी टेस्टी लगती है। आप चाहें तो भिंडी की सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी, आप किसी में भी बस 1 चम्मच ऐड कर दें, उसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।